मैं एक्स एमपीए पीटीआई और साथ नवाबजादा अफजल मेहदी की डॉटर हूँ। अफसोस इस बात का है कि ये खून के रिश्ते जो हैं, जिन्होंने अपना अपना इज्जत का ख्याल रखा, ना मेरी इज्जत का ख्याल रखा, आज मेरा भतीजा गुंडों से बढ़ के हरकतें कर रहा है। मैं दारे में बंद रही, और दारा किसका था? मेरे अपने वालिद का था। और गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क पे जब हम वापस आए उसी हालत में खड़ी हुई थी जैसे स्टार्ट थी, क्योंकि स्टार्ट गाड़ियों में से हम निकले हैं। गलियों में घसीट के ले जाया गया, और जो तरीका किया मेरे साथ, मैं उनकी फूफी लगती थी। सरेआम वहां पे जो डंडे सोटे और जो उधर हालात हो रहे थे, डंडे सोटे तो छोटा सा लफ्ज है, उनके पास वो एमुनिशन ही इतना था, फिर हमारा एमुनिशन छीना गया। ये जेलम देखेगा कि एक औरत के साथ जब ये होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है। सरेआम वो इतनी गुंडागर्दी है, आज हमारी हुकूमत है और उसमें ये हालात हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये नून की हुकूमत होती तो तब हमारा क्या हाल होता। वहाँ पे जब आप चार बंदे होते हैं और दो आपके गनमैन होते हैं, छः बंदे वर्सेस हजारों का मजमा, जिनको के गुजरात और सरगोधा से लाया गया हो, चार बंदे या छः बंदे कहाँ मुकाबला कर सकते हैं? और जहाँ पे सबों के हिसाब गन्स आपके ऊपर रख दी जाएं और बार बार उनके बट चढ़ा रहे हैं और खोल रहे हैं चार के, सिर्फ वो बताने के लिए कि जी हम लोड कर रहे हैं, आप पे चला रहे हैं। SHO साहब को फ़ोन किया है, SHO साहब की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। DC साहब विटनेस हैं जो कुछ हुआ है, नहायत शर्मिंदा थे DC साहब। उनके ये अल्फाज थे कि ये खानदान है। राजा बशारत साहब जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, वो और उनका नेफ्यू जो है, जो के मुइन सुल्तान, जो मतलूब मेहदी का हमजुल्फ है, ये सब उनके हाथों हो रहे हैं। ना तो राजा बशारत साहब हमारी पार्टी के हैं और ना मुइन सुल्तान का हमारे यहाँ कोई तलक है, लेकिन तलक ये बन जाता है कि जब गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तलक बन ही जाते हैं। कुछ मेरा वहाँ सलामत नहीं है। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर हो और उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा हो, 22 साल हमने अपनी जंग लड़ी, और जंग किसके खिलाफ थी कि वो मेरा अपना खून है, मेरा अपना ख़ानदान है, कि वो ना तो अपनी बच्चियों को रेकनाइज़ करते हैं, ना अपनी बेटियों को रेकनाइज़ करते हैं। उनके लिए शायद वो सिर्फ जो मर्द हैं वो खुदा हैं। मुझे अपनी हुकूमत से फेवर भी नहीं चाहिए, मुझे मेरिट पे चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं मानूंगी।